डाउटनट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ Cl- ion इज 181 पिकोमीटर एंड रेडियस ऑफ Na+ ion इज 101 पिकोमीटर, देन द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज। एज लेंथ हमसे पूछ रहा है यूनिट सेल का, उस सेल का जिसमें Na+ और Cl- प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें NaCl की, तो ये रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, फेमस है NaCl का रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, जिसमें यहाँ पे Na+ कैटायंस और Cl- एनायंस के रूप में प्रेजेंट होते हैं NaCl। तो यहाँ पे इनका प्रेजेंस कैसे डिटरमाइन होता है? Na+ यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं, ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई किए होते हैं एट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स से यहाँ सिंपल मीनिंग क्या है, ये मीनिंग है एच सेंटर्स में प्रेजेंट होते हैं Na+, एच सेंटर्स ऑफ द यूनिट सेल। यहाँ पे Cl- की बात करें, क्लोराइड आयंस, तो ये क्या फॉर्म करते हैं? CCP लैटिस फॉर्म करते हैं, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग या फिर FCC लैटिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं और प्लस फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एज सेंटर्स Cl- फेस सेंटर्स और कॉर्नर्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो कोई भी जो एज है, एज ऑफ यूनिट सेल, एज ऑफ यूनिट सेल, तो उसमें क्या है, वन एटम ईच ऑफ Na+ एंड Cl- का यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। Na+ और Cl- दोनों ही यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे उनका 2 times रेडियस मतलब एक कंप्लीट सर्कल या फिर एक डायमीटर हम बोल सकते हैं प्रेजेंट होता है एक एच पे। तो यहाँ पे अगर रिलेशन की बात करें तो ये हो जाएगा 2 रेडियस ऑफ Na+ प्लस रेडियस ऑफ Cl-, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये एज लेंथ के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें गिवन है रेडियस ऑफ Na+ एंड आर रेडियस ऑफ Cl-, तो वैल्यू पुट करेंगे 101 पिकोमीटर प्लस 181 पिकोमीटर इज इक्वल टू एज लेंथ। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा 2 × 282 इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से ए आ जाएगा कितना, ए आ जाएगा हमारा 564 पिकोमीटर, यही हमारी एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल हो जाएगी। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल कितनी होगी, 564 पिकोमीटर। तो यहाँ पे बस एक ही कंडीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो हमें फार्मूला यूज़ किया है, क्योंकि जिस टाइप का रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर होता है उसमें 2RNa+ प्लस RCl- इज इक्वल टू एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल होता है। तो यहाँ से हमें एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल कितना मिल गया, 564 पिकोमीटर। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।